सब्सक्राइब कीजिए ट्रिपल एस सेफ शॉप इंडिया चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखें। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिपल एस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सेफ शॉप इंडिया में, और मैं हूं प्रखर कुलश्रेष्ठ। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं रिकॉग्निशन लेवल्स के लिए। रिकॉग्निशन लेवल्स कौन सी किसकी होती है और लोगों को ये पता नहीं है अभी कि कितने टीम साइज पर आपको कौन सा रिकॉग्निशन मिल जाता है। दोस्तों कमेंट में पूछा गया था, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है कि कौन सा लेवल हमारा होगा, हम कैसे पहचानेंगे, कितनी टीम साइज हमारा हो जाएगा तो हम डायमंड बन जाएंगे, कितनी टीम साइज हमारा होगा तो हम सिल्वर बन जाएंगे, और कितनी टीम साइज पर हम क्राउनर या क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही एकदम क्यूरियस सवाल है, लेकिन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। अगर आप चाहें तो प्रगति बुक जो है, प्रगति पथ बुक, उसके पीछे लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी जब आपने कमेंट किया है, रिक्वेस्ट किया है, तो इसको हम बना रहे हैं, और इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जब आप किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास जाएंगे, वो भी पूछ सकता है कि किस तरह से लेवल्स होते हैं, तो आप ये वीडियो उनको दिखा सकते हैं, जिससे कि उसको पता चल जाएगा कि हाँ ऑनलाइन ट्रेनिंग भी इसकी दी जाती है और वीडियोज़ देख करके भी लोगों को समझाया जा सकता है। तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। दोस्तों हमारा ये जो बिज़नेस है, हमारे इस बिज़नेस में वैसे टोटल तो 13 लेवल्स होते हैं, 13 लेवल्स, लेकिन जो मेन लेवल्स होते हैं वो 7 होते हैं, और 7वां जो लेवल होता है इसमें वो हमारा होता है डायमंड शिप का, यानी 7वें लेवल पर आप डायमंड बन जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले लेवल से। तो दोस्तों सबसे पहला जो लेवल होता है वो होता है सिल्वर का, और सिल्वर का जो टीम साइज होता है वो 50 से लेकर के 249 लोगों तक का होता है, यानी 50 से लेकर के 249 जब आपकी टीम में लोग हो जाते हैं तो आप सिल्वर कहलाते हैं। अब दूसरा नंबर गोल्ड, गोल्ड का जो टीम साइज होता है वो 250 से लेकर के 499 तक का होता है। दोस्तों जब 250 से लेकर के 499 तक लोग आपकी टीम में हो जाएंगे तो आपका जो रिकॉग्निशन लेवल है वो गोल्ड हो जाएगा। अब तीसरा रिकॉग्निशन लेवल, जिसको हम पर्ल के नाम से जानते हैं, पर्ल का जो टीम साइज होता है दोस्तों वो होता है 500 से लेकर के 1249 लोगों तक का। आपकी टीम में जब 500 से 1249 तक लोग हो जाएंगे तो आप पर्ल रिकॉग्निशन पर होंगे। अब पर्ल के बाद चौथा रिकॉग्निशन लेवल टोपाज का, टोपाज का जो टीम साइज होता है दोस्तों वो होता है 1250 से लेकर के 2499 तक का। 2499 तक का अगर आपकी टीम में लोग हैं तो आप टोपाज कहलाएंगे। अब दोस्तों पांचवा रिकॉग्निशन लेवल होता है एमरल्ड का, और एमरल्ड का जो टीम साइज होता है वो 2500 से लेकर के 4999 तक का होता है। अब दोस्तों रूबी छठा नंबर है, रूबी का देखो, रूबी रिकॉग्निशन आपको पाने के लिए आपकी टीम में 5000 से लेकर के 9999 लोग आपकी टीम में होना ज़रूरी है। जब आपकी टीम में 9999 लोग हो जाएंगे तो आप रूबी कहलाएंगे। अब दोस्तों हमारा सातवां लेवल, सबसे इम्पोर्टेंट लेवल, जिसका बेसब्री से हर किसी को इंतज़ार रहता है, ये लेवल है दोस्तों डायमंड का। और जब आपकी टीम में 10000 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं, 10000 या 10000 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं, यानी कि 10000 से लेकर के 19999 लोग जब आपकी टीम में हो जाते हैं तो दोस्तों आप डायमंड कहलाते हैं। और जब आप डायमंड बन जाते हैं तो एक ज़बरदस्त रिकॉग्निशन लेवल मिलता है, और बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन होता है, एकदम 5-स्टार फैसिलिटीज़ वाला फंक्शन होता है, और हर किसी की चाहत यही होती है कि एक बार ज़िंदगी में डायमंड तो बनना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको 10000 से लेकर के 19999 लोगों की टीम आपको बनानी पड़ेगी, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस लगातार आप काम करते जाइए और आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप डायमंड लेवल तक पहुंच गए। अब दोस्तों आठवां जो लेवल आता है वो होता है डबल डायमंड का। डबल डायमंड की टीम का साइज 20000 से लेकर के 29999 तक का होता है। फिर उसके बाद जो नौवां लेवल है वो है दोस्तों ट्रिपल डायमंड का। ट्रिपल डायमंड की टीम का साइज 30000 से लेकर के 49999 तक का। दोस्तों दसवां जो लेवल होता है वो होता है वीनस का, और वीनस की टीम का साइज 50000 से लेकर के 99999 लोगों का होता है दोस्तों। अब उसके बाद 11वां जो लेवल होता है वीनस के बाद में वो आता है मरकरी का, और मरकरी जो होता है उसकी टीम का साइज 100000 से लेकर के 249999 लोगों का होता है दोस्तों। फिर उसके बाद जो 12वां लेवल आता है यानी कि क्राउन का, क्राउन की टीम का साइज काफ़ी बड़ा होता है दोस्तों, और ये टीम साइज होता है 250000 से लेकर के 499999 लोगों का। और दोस्तों सबसे लास्ट का जो लेवल है हमारे इस बिजनेस में, हमारे सिस्टम में, वो है क्राउन एम्बेसडर का, और एक क्राउन एम्बेसडर का जो टीम साइज होता है वो 500000 से ऊपर का होता है। 500000 से ऊपर के जितने भी लोग होंगे वो उस साइज में आएगा, 500000 एंड अबव में, और वो जो रिकॉग्निशन लेवल होगा वो होगा आपका
क्राउन एम्बेसडर। तो दोस्तों ये थे सारे 13 लेवल्स हमारे इस बिजनेस के जो आपको पता होनी चाहिए। जो नया प्रोस्पेक्ट आपसे जुड़ने वाला है, जिसको आपने नया प्लान दिया है, उसको ये वीडियो आप दिखा सकते हैं कि कौन से लेवल पर कौन सी रिकग्निशन मिल जाती है। तो ये काफ़ी आसान होगा, क्योंकि जो लोग नए हैं उनको बताने में डायरेक्ट थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, नहीं बता पाते, ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता। तो आप ये वीडियो दिखा करके आप उनको बता सकते हैं कि कौन सा लेवल, किस रिकग्निशन का लेवल, की टीम का साइज कितना होता है। तो दोस्तों ये जानकारी आप काफ़ी अच्छी चीज़ है और बहुत ही शॉर्ट जानकारी है, बहुत ही बेसिक है, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो कमेंट आया था इसलिए ये वीडियो बना दिया। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को सारे एसोसिएट्स में शेयर करें, जो बिगिनर्स हैं उनको स्पेशली शेयर करें। और दोस्तों अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट भी कीजिए, और दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।